इस संसार में भगवान शिव और उनका नाम समस्त मंगलों का मूल है। वो कल्याण की जन्मभूमि और परम कल्याणमय है। समस्त विद्याओं के मूल स्थान भी भगवान शिव ही हैं। ज्ञान बल इच्छा और क्रिया शक्ति में भगवान शिव के जैसा कोई भी नहीं है। वो सभी के मूल कारण रक्षक पालक और नियंता के होने के कारण महेश्वर कहे जाते हैं। उनका आदि और अंत न होने से वो अनंत हैं। भोलेनाथ बहुत जल्दी खुश होकर अपने भक्तों के संपूर्ण दोषों को क्षमा कर देते हैं और धर्म अर्थ काम मोक्ष ज्ञान विज्ञान के साथ अपने आप को भी दे देते हैं। इसके साथ आपको बता दें कि ज्योतिषाचार्य का कहना है कि देवों के देव महादेव के ग्रहों की चाल में फेरबदल होने की वजह से सिर्फ एक राशि पर इसका सही असर पड़ने वाला है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के जान लेते हैं कि किस राशि के लिए इस बार की शिवरात्रि भाग्योदय लेकर आ रही है। हम जिस एक राशि की बात कर रहे हैं वो एक राशि कोई और नहीं बल्कि वृषभ राशि है। और इन राशि के लोगों के जीवन में पारिवारिक सुख शांति बनी रहेगी। ऐसा भी हो सकता है कि आपके द्वारा की गई मेहनत रंग ला सकेगी। आप अपनी किसी कलात्मक अभिन्न व्यक्ति को आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसा करने से आपको अच्छा धन लाभ प्राप्त होगा। संतान के लिए भी ये समय अच्छा है। उन्हें उन्नति के अवसर मिलेंगे। लाइफ पार्टनर से आपको भरपूर प्यार और सहयोग भी मिलेगा। इन राशि वालों का अब अच्छा समय आने वाला है जिससे कि इनको कई बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। आप अपने कार्य क्षेत्र में तेजी से प्रगति करते हुए आगे बढ़ेंगे। इस राशि वालों का आने वाला समय बहुत ही लकी रहेगा। इनके सभी काम पूरे हो जाएंगे। आपके द्वारा किए जा रहे जिन प्रयासों में आपको लगातार नाकामयाबी मिल रही थी अब उन कार्यों में भी आपको सफलता मिलेगी। आपको कई बड़ी खुशियों की प्राप्ति हो सकती है और प्यार के मामले में आपको सफलता हासिल होगी। कानूनी मामलों में भी आपको सफलता मिलेगी। भवन निर्माण कार्य शुरू करा सकते हैं। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से विनीत राय की रिपोर्ट।